तरह से थोड़ा कलर चेंज होने देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो प्याज जल जाएंगे। जल मिला देते हैं, फिर इसमें डाल देते हैं टमाटर जो मैंने काट के छोटे कर रखा था। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं लेंगे, अच्छे से धो लिए मैंने, काट के छिल के अच्छे से धो लिए। आज बाहर से लोग आ रखे थे और लेके आए हैं अभी रेसिपी। पहले तो मैं बना नहीं रही थी, फिर मैंने सोचा आपको ऐसे बना देती हूँ। इधर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है क्योंकि बाद में तड़का भी लगाएंगे। तो अभी बने रहो, इसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, तब तक प्याज टमाटर काट लेती हूँ। इस तरह मैंने डाल दिया है अरबी को फ्राई होने के लिए। इस तरह बनाने से वो जो गीलापन नहीं होता है ना, चिपचिप नहीं होता है। अरबी को धो के अच्छे से मैंने सुखा लिया था इसको, फिर मैंने तेल में डाल दिया है। इस तरह के गीला गीला नहीं होता है ना, जैसे कि बॉईल करो तो चिपचिप होता है, ऐसे बनाने से कुछ नहीं होता है। बनी रहो रेसिपी, बताऊँगी कैसे बना रही हूँ। लगभग हो गया हमारा अरबी फ्राई होके तैयार हो गया, इसको अभी निकालते हैं। फिर अकेले बना रही हूँ ना, इसलिए मैं पूरी पूरी नहीं दिखा रही हूँ, बीच बीच में मैंने चला दिया था। फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं फिर दिखाती हूँ। इस तरह तेल मैंने अलग कर दिया है, फ्राई किया था, थोड़ा तेल रख दिया है मैंने। इस तरह कलर बनाना है फ्राई करके, बड़ा टेस्टी होता है। इसको दिखा रही हूँ, एक कुछ सरसों की दाना मोटे वाले डाल रही हूँ। फिर हम इसमें जीरा डाल देते हैं। फिर जो मैंने प्याज टमाटर काट रखा है, ये हरी मिर्ची काट रखा है, ये टमाटर काट रखा है, इसको डालती हूँ अभी। इसको अभी भूनते हैं, थोड़ा कलर चेंज होने देंगे। जैसे इसको भूनेंगे, गैस को मैंने तेज कर दिया, स्लो पे रखा था। इस तरह से अच्छे से पकाते हैं। तरह से थोड़ा कलर चेंज होने देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो प्याज जल जाएंगे। जल मिला देते हैं, फिर इसमें डाल देते हैं टमाटर जो मैंने काट के छोटे कर रखा था, इसको मिला देंगे इस तरह से। इसमें डाल देते हैं नमक ताकि टमाटर गल जाए। नमक डाल दिया, इसको मिला देते हैं, गैस को कर देते हैं स्लो और इसको ढक देते हैं टमाटर पकने तक। टमाटर गल गया है, इसमें मसाला ऐड करते हैं। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, ये हल्दी डाल रही हूँ, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची ज़्यादा डालूँ तो लाल मिर्ची कम ही डालती हूँ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिला के मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, देख रहे इसके कलर। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर देना है ताकि और अच्छे, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, मसाला भून सके उतनी ही पानी डालना है। ग्रेवी नहीं बनाना है हमें, सूखी अरबी बनाना है। तो इस तरह के सी लाएंगे, और जो मैंने फ्राई कर रखा था वो अरबी को मैं इसी में डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर देती हूँ। मैंने मिक्स कर दिया इस तरह के कलर दिख रहा है, बड़ा बढ़िया ही दिख रहा है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, जो अरबी कच्चे रह गए हैं क्योंकि हमने फ्राई करा था उसी में पक जाते हैं, कोई छोटे वाले तो जो बड़े बड़े हैं वो पकेंगे। 5 मिनट तक हम ढक के पकाएंगे, ऐसे ही बिना पानी डाले ऐसे ही पक जाएंगे।
इसको गैस को स्लो करके ढक के रख देते हैं अभी 5 मिनट तक। 5 मिनट हो गया है, अब इसे खोल के देखती हूँ। अब बन गया है इस तरह के, इसे चला के देखते हैं। अब इसमें हरा धनिया डाल के देख सर्व करके दिखाती हूँ आपको, बनी गया है। गैस को कर देती हूँ बंद, आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अभी पूरी रेसिपी आपको मैंने बता दिया, अब सर्व करके भी दिखा देती हूँ। अभी मेरे पति टेस्ट करेंगे, बताएंगे कैसा रहा है। ऐसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी सूखी अरबी बन के तैयार हो गया है और रोटी देख सकते हो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है एक बार। इससे अच्छा लगता है, स्वाद भी अच्छा लगता है और चिपकते भी नहीं है, नहीं तो गिलगिले टाइप हो जाता है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हम डिनर इन्जॉय कर रहे हैं।